क्या आपको शरीर में अलग अलग जगह पे जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर कभी आपको हिप जॉइंट होता है, कभी नी जॉइंट, कभी एंकल जॉइंट हो जाता है, कभी शोल्डर में पेन, नेक में पेन या फिर एल्बो या फिर रिस्ट में पेन हो जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम यहाँ पे एक ऐसी मुद्रा की चर्चा करेंगे जिससे आपको जो जॉइंट्स पेन है उसमें आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। बस इसमें आप एक धैर्यता और विश्वास बनाए रखेंगे और लगातार इसको आप अगर 3 महीना करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व होगी। तो जो जोड़ों के दर्द के लिए आज हम मुद्रा लेकर आए हैं उस मुद्रा का नाम है संधि मुद्रा। संधि मुद्रा को बनाने का जो तरीका है वो आपको मैं बताती हूँ। ये दोनों हाथों में अलग अलग बनेगी, राइट हैंड में अलग बनेगा, लेफ्ट हैंड में अलग बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड में हम कैसे बनाएंगे। तो ये राइट हैंड है, ठीक है, आप अपना राइट हैंड लीजिए और इसमें जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर वो हमारे अंगूठे के टॉप पे टच हो जाएगी इस प्रकार से। ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा, इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये राइट हैंड में बनेगा और लेफ्ट हैंड में जो मुद्रा बनेगी हमारी, मिडिल फिंगर को आप अंगूठे के टॉप पे इस प्रकार से टच करेंगे, ये हमारी आकाश मुद्रा बन गई। तो राइट हैंड से हमने बनाया पृथ्वी मुद्रा और लेफ्ट हैंड से हमने बनाया आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को कहते हैं संधि मुद्रा और इसको हम अपने थाई के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। तो हथेली को आप पहले वॉर्म कर लें और मुद्रा कर रहे हैं तो उसके पहले आप एक गिलास पानी भी पी सकते हैं जिससे कि पूरा टॉक्सिन्स आपका निकल जाएगा जब आप मुद्रा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप ये मुद्रा को बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से राइट हैंड लेफ्ट हैंड और यहाँ पे हम अपने थाई के ऊपर रख लेंगे। मुद्रा थेरेपी कैसे काम करती है थोड़ा सा हम इस बारे में जान लेते हैं। मुद्रा थेरेपी माना कि हाथों का इशारा। सभी जानते हैं हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते। माना जैसा ब्रह्मांड है वैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जैसा है वैसी हमारे हाथों में उसकी रचना है। 5 तत्व हमारे शरीर में है तो ये 5 तत्व हमारे 5 फिंगर में रिप्रेजेंट करते हैं। अंगूठा जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड पिंकी फिंगर स्मॉल फिंगर ये हमारे वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सेम ये दोनों ही हाथों पे हमारे ये 5 तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। 5 तत्व जब बैलेंस होते हैं शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है। पर अभी तो आजकल सभी को तरह तरह की प्रॉब्लम है तो 5 तत्व हमारे इनबैलेंस हो गए हैं, इसी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। तो जोड़ों के दर्द के लिए जो हमने मुद्रा बनाई, पहले यहाँ पे हमने जो बनाया यहाँ पे, ये हमारा बन गया पृथ्वी मुद्रा और ये आकाश मुद्रा। तो जब हम ये मुद्रा को बनाते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स पेन हैं वो धीरे धीरे हमारे ठीक होते हैं। यहाँ पे आप अगर अभी अभी जैसे आपका एक्यूट प्रॉब्लम है, माना कि जैसे कोई सामान आप खींच कर लाए या फिर अभी आपने लैपटॉप पे काम किया तो उस वजह से नेक स्टिफ हो गया आपका, ज़्यादा देर आपने ऑफिस में काम कर लिया तो आपको हिप जॉइंट हो गया बैठे बैठे, तो अगर आप तुरंत 45 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं आपको तुरंत राहत मिल जाती है अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है। लेकिन अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें आपको ये लंबे समय तक करना होगा और उसके साथ आप 2 मुद्रा और ऐड करेंगे। मैंने जो समझाया आपको एक्यूट के लिए, माने अभी अभी अगर प्रॉब्लम हुई है आप तुरंत 45 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में। अगर जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं चेयर कुर्सी में बैठ जाएं। आप खाली पेट अभ्यास करोगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद मुद्राओं का अभ्यास ना करें, ठीक है। तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको समय बढ़ा के 45 मिनट तक कीजिए।
एक बार में 45 मिनट नहीं होता है, तो आप 15 मिनट का 3 सेशन कर सकते हैं। तो ये एक्यूट में हुआ। क्रॉनिक माने बहुत समय से अगर आपको प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको हमेशा पेन बना रहता है, उसके लिए आप लंबे समय तक मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके साथ में आप एक मुद्रा, दो मुद्रा और जोड़ेंगे। पहली मुद्रा हमारी वायु मुद्रा होगी और दूसरी मुद्रा हमारी प्राण मुद्रा होगी। तो क्रॉनिक कंडीशन में पहली मुद्रा आपको ये वाली बनानी है, संधि मुद्रा, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया। पहली संधि मुद्रा बन जाएगी, जो लंबे समय से प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है उसके लिए मैं अब बता रही हूँ आपको। तो पहले हम इसका अभ्यास करेंगे 15 मिनट संधि मुद्रा का, ठीक है। और इसमें आप सिटिंग पोस्चर बढ़िया सा ले लेंगे, आप सुखासन वज्रासन में। दूसरी मुद्रा इसमें हम बनाएंगे वायु मुद्रा। वायु जैसे जैसे हमारे शरीर में बढ़ता है वात दोष, उससे जॉइंट्स पेन बहुत बढ़ जाता है, तो ये वायु को कम करेंगे ये वाली मुद्रा। और इसको भी आप 15 मिनट बनाएंगे। कमर गर्दन सीधी होगी, आप रिलैक्स के मूड में बैठेंगे और स्माइल फेस रहेगा। तीसरी मुद्रा रहेगी हमारी प्राण मुद्रा। ये नई ऊर्जा देगी, नई एनर्जी देगी आपके शरीर को और आपको ये तकलीफों से दूर करेगी। तो ये तीन मुद्रा का सेट है क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, अगर आपके जॉइंट्स पेन क्रॉनिक है तो, है ना। तो ये तीन मुद्रा आप बनाएंगे। और अगर आपको ना एक्यूट है ना क्रॉनिक है, फिर भी आप चाहते हो कि मेरा जॉइंट्स पेन कभी आगे भी मत हो, तो आप रोज 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा का बस अभ्यास करेंगे। जो राइट हैंड से आपको बनानी है पृथ्वी मुद्रा और लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा, आप 15 मिनट रोज बनाइए और 15 दिन बनाइए, फिर ब्रेक कर दीजिए, फिर वापस 15 दिन बनाइए। ऐसे आप 2-3 महीने करेंगे तो आप देखेंगे आगे भी आपको ये जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। आई होप मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा, आप जरूर कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी।